MDU रोहतक की तरफ से आप लोगों के लिए एक बड़ी अपडेट आई है भाई। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सबसे पहला जो मुद्दा है वो है हमारा रिजल्ट को लेके। तो रिजल्ट मोबाइल से कैसे चेक करना है और कौन कौन से रिजल्ट आए हैं उन सभी के बारे में बताऊंगा। साथ में MDU यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितनी भी आप लोगों की जो भी जानकारियाँ होती हैं वो आपको चैनल के माध्यम से इस वीडियो के अंदर भी बताएंगे कुछ, और कुछ और वीडियो के माध्यम से भी आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं भाई। तो पहली बार अगर आप जुड़े हैं और MDU से जानकारी चाहते हैं कोई भी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो जो उपलब्ध जानकारी होंगी वो आप लोगों के पास टाइम टू टाइम वीडियो के साथ पहुंच जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो मोबाइल से रिजल्ट कैसे चेक करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले गूगल के अंदर आप लोगों को MDU टाइप कर लेना है और इसको सर्च कर लेना है। सबसे ऊपर खाली MDU लिखा हुआ मिलेगा, आपको इस MDU के ऊपर क्लिक कर लेनी है। इसके बाद क्लिक करने के बाद आपके पास ऑफिशियल साइट कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब आपके पास सबसे ज़रूरी तो क्या है भाई, आपके एडमिशन चल रहे हैं, आपको BTech एडमिशन लेना है, BEd के अंदर एडमिशन लेना है, DDE एडमिशन लेना है, या फिर आपको कोई भी डिस्टेंस वाले होते हैं, जितने भी डिस्टेंस से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होती है तो आपको यहाँ क्लिक करनी होती है और उस वेब पोर्टल पर पहुँच जाते हो आप। ये यहाँ पर आपके लिए इतनी जानकारी यहाँ पर बता दी मैंने। आगे देखो आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट्स हैं तो आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है, देखो इसको ऊपर देखोगे तो आपको यहाँ पे देखो भ्रमित होते हैं कुछ साथी, यहाँ पे आपको तीन डॉट दिखाई दे रहे हैं, इनके ऊपर क्लिक नहीं करना आपने, ठीक है। इसको स्क्रॉल डाउन करोगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखो दोबारा से आपके पास ये तीन डॉट आ गए हैं यहाँ पे, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे और स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके पास इस तरह से ये कॉलम दिखाएंगे, होम, अकेडमिक, यूनिवर्सिटी प्रोफाइल वगैरह। आपको एग्जामिनेशन वाले पे क्लिक कर देना है। एग्जामिनेशन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको स्क्रॉल डाउन कर लेना है आपके पास। ये देखो भाई एग्जाम के नोटिफिकेशन आपको देखना है तो आपको एग्जाम नोटिफिकेशन के सारे यहाँ मिलेंगे। आपको कोई भी एग्जाम नोटिफिकेशन देखना है, कोई भी रिजल्ट देखना है तो रिजल्ट यहाँ मिलेगा। डेट शीट देखनी है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। कोई भी एग्जामिनेशन का शेड्यूल देखना है वो देखेंगे। मेरिट लिस्ट यहाँ पे होगी आपकी, ठीक है। आपने फीस कंफर्म हुई है नहीं हुई वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके सारे कॉलम बने हुए हैं। अब आपको रिजल्ट वाला जो रेड वाला है, ये रिजल्ट वाला, इसके ऊपर क्लिक कर देना है आपने। इसके ऊपर क्लिक करोगे, अगर आपकी कोई UMC केस हियरिंग है तो आपको ये पोर्टल दे रखा है, ठीक है, आपको अलग अलग पोर्टल दे रखे हैं। तो आप जैसे ही रिजल्ट पे क्लिक करेंगे भाई, रिजल्ट पे क्लिक करने के बाद आपकी विंडो खुल जाएगी इस तरह से। अब देखो 29 जनवरी को, ठीक है भाई, आज कितनी तारीख हो गई है आपको पता है, ठीक है। 29 जनवरी को जो रिजल्ट आए थे वो हैं आपके BTech के, ठीक है। ये भी BTech का 29 जनवरी को आया है, ये भी BTech का है। तो आप कोई भी एक रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जैसे मैं आपको ये दिखा देता हूँ 29 तारीख को जो BTech का रिजल्ट आया है यहाँ पे, ये सारे के सारे, इनको चेक कैसे करना है, कोई भी रिजल्ट है आपके पास, उसके लिए आपके पास सबसे जो दो जरूरी चीज़ें हैं वो दो हैं। एक तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए और एक आपके पास रोल नंबर होना चाहिए। मैं ये दोनों जानकारी फिल कर लेता हूँ, आपके सामने फिल नहीं करूँगा क्योंकि इसके ऊपर कॉपीराइट आ जाता है, इसी वजह से मैं इनको वीडियो को पॉज करके कर लेता हूँ। उसके बाद आप देखो जैसे ही आप ये क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे फ़ोन नंबर का ऑप्शन आ जाएगा और ईमेल आईडी का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपने फ़ोन नंबर पहले डाल रखा है तो आपका फ़ोन नंबर ऑलरेडी डला हुआ आ जाएगा, नहीं तो आपके पास फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी आप किसी की भी डाल सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है आपको कोई वही डालनी है, कोई भी आप फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्लियर है भाई। अभी मैंने इसको जानकारी आप लोगों को छुपाने के लिए थोड़ा सा मैंने इसको ब्लर कर दिया है, टेंशन मत लेना इसकी, ठीक है। उसके बाद कन्फर्म पे करना होता है आपने क्लिक, ठीक है, वहाँ पर आप ये चीज़ें डाल के प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह से रिजल्ट का नाम, रिजल्ट जो भी रोल नंबर है यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, ये स्टूडेंट का नाम आ जाएगा और ये उसकी कोर्स हो जाएगा, कौन सा कोर्स है और कौन से सेशन के अंदर एग्जाम दिए थे, और उसका रिजल्ट देखने के लिए आपको व्यू पे क्लिक करना होता है। तो मैंने व्यू पे क्लिक कर दिया। अब देखो व्यू पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने खुल जाएगा, ये देखो उस कैंडिडेट का रिजल्ट खुल गया है और इस कैंडिडेट की सारी डिटेल यहाँ पे है और ये टोटल में पास रिजल्ट क्या है, इसका पास है, ठीक है। तो आप इस तरीके से रिजल्ट देख सकते हैं भाई अपना। अगर आपका कोई डाउट है, क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर आपका रिजल्ट नहीं निकल रहा तो आप ऐसे निकाल सकते हो, फिर भी समस्या आ रही है तो आप मेरे से डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर जुड़िए या डायरेक्ट टेलीग्राम के ऊपर मुझसे चैट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक दिया गया है, व्हाट्सअप पर आप मैसेजेस भी कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।